डिविजनल कमिश्नर हैदराबाद नदीमुल रहमान मेमन ने मुतलिका अफसरान को हिदायत की है कि वो मुमकिन बारिशों से कबल ही तमाम तर इंतजाम को मुकम्मल कर लें, बसूरत दीगर किसी का भी कोई उजर कबूल नहीं किया जाएगा। वो आज मानसून के हवाले से इंतजाम का जायजा लेने के लिए मुनदा चौथे इजलास की सदारत कर रहे थे। उन्होंने DGHDA डेप्टी कमिश्नर हैदराबाद फवाद गफर सुमरों को हिदायत की कि जल्द अज जल्द गुज़िश्ता साल मानसून से निमटने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फंड्स की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दी जाए और ये तायन किया जाए कि किस तरह ये फंड्स इस्तेमाल हुए हैं, जिस पर डेप्टी कमिश्नर ने यकीन दिलाया कि आज ही इंक्वायरी कमेटी तश्कील देकर रिपोर्ट पेश करते हैं। डिविजनल कमिश्नर नदीमुल रहमान मेमन ने हैस्को के अफसरान को हिदायत की कि वो अपने निज़ाम को मजीद बेहतर बनाएं और गैर एलानिया लोड शेडिंग से गुरेज करें ताकि मानसून की मुमकिन बारिशों से निपटा जा सके और एमरजेंसी सूरतहाल से निपटने के लिए मुतबादल कनेक्शंस का भी इंतजाम करें। उन्होंने मुतलका अफसरान को तमाम महकमों को एक दूसरे से नज़दीकी रबते में रहने की भी हिदायत की। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि बारिश के रुकते ही नशेबी इलाकों से बरसाती पानी की निकासी को यकीनी बनाया जाए ताकि अवामुल नास की परेशानी को कम किया जा सके, जिस पर AC हैस्को निसार मेमन ने बताया कि मानसून से निमटने के लिए हैस्को की जानिब से तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। कैमरामैन उमर हयात के साथ इमरान चलकियारी, धूम न्यूज़ 24/7 हैदराबाद।